और पहला मैच कराने के लिए मेरे साथ मैच रेफरी इलियास खान मौजूद हैं, उनके साथ कोटी लॉयंस के कप्तान हारिस और मारखोर वॉरियर्स के रिजवान मौजूद हैं। टॉस करेंगे, कौन कुछिका कौन उछालेगा? रिजवान, हारिस, हेड्स इज द कॉल, हेड्स जी। टॉस जीते हैं रिजवान, आप क्या करेंगे? जी सर, हम लोग बैटिंग करेंगे। वंस अगेन स्लो ओवर वन बॉल किया यहाँ पर, बिल्कुल इसको खेल, एक बॉल अभी भी इस ओवर की बाकी है। अगर छक्का लगाते हैं या किसी भी किस्म की बाउंड्री लेते हैं, ओहो डाउन द ग्राउंड शॉट, लेग स्टंप की जानिब शॉट खेला है, ओवर हुआ है कंप्लीट। यहाँ पर 9 रन पूरे हो चले हैं बगैर किसी नुकसान। बाकी ऑप्शन पे हैं कि आप 2 ओवर करवाते हैं या 1 ओवर करवाते हैं। वन सेकेंड शॉट यहाँ पर, व्हाट अ एक्सीलेंट कैच, अशरफ पठान ने यहाँ पर कैच लिया है और आखिरकार ऐसा कैच देखने को नहीं मिलता है। फारूक तरफ जा रहे थे इस मैच के, में लगा एक लम्हे के लिए कि आराम से होल्डिंग्स के बाहर जाएगा, पीछे गिरा हुआ गेंद इसको पुल किया और शायद कुछ एयर का फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन फील्डर को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही उम्दा कैच, जबरदस्त, काफी क्लोज राइट हैंड बैटर। आउटसाइड एज और कीपर मिस कर गए, लेकिन बिल्कुल कीपर के पीछे थर्ड मैन मौजूद था। एक ओवर द विकेट बॉल करेंगे, सलमान सामना करेंगे और सफा कनेक्ट करने में कामयाब हो गए लगता है। जी हाँ, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर और पहला छक्का इस मैच का, वेल प्लेड। पीछे भी गिरे गेंद को हम पनिश करें ऑन साइड पर, मतलब की बॉल थी ये, बेहतर लेंथ उसको खेल दिया ऑन साइड पर और चौका, बहुत तेज शॉट, बहुत ही आला शॉट सलमान की तरफ से, क्योंकि बहुत को 25 पर एक, सलमान 13 पर खेल रहे हैं। स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड के लिए बहुत तेज शॉट और फंबल हो गया है और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बॉल ये बहुत तेज शॉट था, मेड्यूल है आउटसाइड द विस्टम, इसको उठाकर खेला है और कवर के फील्डर आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल ही रायगा गई क्योंकि इसको उन्होंने कैच लेने के लिए जो जजमेंट थी बाहर। एक और ऊंचा शॉट, अब देखना होगा कि ये शॉट कहां जाता है, फिर फील्डर आ रहे हैं इसके नीचे, आसानी के साथ कैच लेने में कामयाब, बहुत अच्छा कैच लेकर सलमान की इनिंग का खात्मा किया। और इसने कैच लेने के बाद अपनी हमनाम को बैटिंग के लिए देखा कि वहां है, अगली गेंद है, बहुत अच्छा शॉट और बाउंड्री से बाहर 6 रन, ये पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए। अगली गेंद शॉट थी, इसको भी उठाकर खेला है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन इस कैच को नहीं ले सके और इस तरह से गेंद एक बार फिर हमने देखा बाउंड्री के बाहर चले। मैच भी बचाना मुश्किल नहीं, कोटली लॉयंस जैसे बॉलिंग करते हुए ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रन हासिल किए मारखोर फाइटर्स ने, 50 रन ही मुकम्मल। वैसे टेप बॉल क्रिकेट, ये सब वो लोग हैं जो स्पॉन्सर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को किया और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के शॉट्स भी लगें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छक्के लगें चौके लगें। अभी तक सुपर बॉल इन्होंने नहीं ली है, किस वजह से होती है? परेशान होते होंगे कि अब क्या होगा। शॉर्ट गेंद थी, इसको बॉलर के ऊपर से खेला है, स्मैश कर दिया गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। जो है वो चंद्र भी शऊर शायद होना चाहिए सुपर बॉल का, मे बी कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज हो ही ना। ऊंचा शॉट फील्डर गेंद के नीचे, देखना होगा कि कैच पकड़ पाते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लेट आए थे। प्लेट एंड मिस, आखिरी बॉल मिस, यानी 74 रन, 2 खिलाड़ी आउट 6 ओवर के इख्तिताम पर मारखोर फाइटर्स का स्कोर और ये रमादमा ट्रैफिक। एक रीजनेबल स्कोर है 6 ओवर के हिसाब से, अगर शुरू के 2 ओवर अच्छे जाते हैं 10-15 रन तक। हक नवाज राइट हैंड बैटर, चाहिए दें बॉलर, पहली गेंद उठा के खेले और बड़ा स्ट्रोक छक्के के साथ यहां पर आगाज किया कामी ने। इट रिक्वायर्ड इस मैच में कामयाबी के लिए कोटली को, बड़ा शॉर्ट बॉल के बाउंड्री के बाहर काफी दूर और हुक कर दिया उसको कामी ने। और टू ये तो फिर सामना करेंगे नदीम का, बड़ा शॉर्ट बॉल के बाउंड्री के बाहर और जी हाँ बिल्कुल बाउंड्री होल्डिंग से काफी दूर, एक और छक्का
हक रिदम की अहमियत, म्यूजिक में रिदम की अहमियत और स्कोर बोर्ड पे भी एक रिदम नजर आ रहा है, लेकिन इस मरतबा इस रिदम को तोड़ने में कामयाब हुए। डाउन द ट्रैक बहुत ही खूबसूरत ऑफ द टोज और गेंद 6 रन के लिए ना सिर्फ बाउंड्री के बल्कि स्टेडियम से भी बाहर, और बहुत ही खुश है यहाँ पर। काम शुरू होने वाला है 26 बगैर किसी नुकसान के। अब्दुल वकीद की पहली गेंद उठा के खेलने में कामयाब हुए, बड़ा स्ट्रोक होगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो किसी भी खेल होता है पहली बॉल पे आपको 6 लग जाए उसके बाद कंटेन करना, और वकीद ने काफी बेहतर ओवर किया और इस मरतबा फुल टॉस बनाते हुए खेले, फील्डर गेंद तक पहुंचे, बहुत ही उम्दा फील्डिंग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। एक अच्छा ओवर है अब्दुल मुकीद का, क्योंकि पीसीबी के स्कोरर हैं कि जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई, उठता हुआ स्ट्रोक इसी दौरान खेले, गेंद काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, गेंद काफी लहराती हुई लेकिन यहाँ पे मुकीद इसको कैच करने में कामयाब नहीं रहे। काफी वक्त था लेकिन हक नवाज को चांस मिला, देखते हैं अब कितना फायदा उठाते हैं इस चांस को। एक दफा फिर और स्मैश कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और किसी फील्डर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बॉल जाएगी बाउंड्री से काफी दूर, बहुत बड़ा छक्का, जब बड़ा उम्दा स्ट्रोक। फरुख हम बात कर रहे थे कि पासिंग मार्क्स 33 नंबर की हम बात कर रहे थे, इसी दौरान एक और स्ट्रोक, तो हर दूसरी गेंद पे छक्का बल्कि हर अगली गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो रही है कोटली। काफी डीप खड़े होते हैं हक नवाज और बाकी बैटर्स भी हमने देखे, और स्मैश कर दिया है मिड विकेट की जानिब एक और छक्का। जी हाँ, अंपायर्स के लिए काफी एक्सरसाइज यहाँ पर जारी है, 3 छक्के लगा चुके हैं, राउंड 2 विकेट आए लेकिन कोई इंडिविजुअल हाफ सेंचुरी भी ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया है, 40 रन बना चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद उसको पुल कर दिया है, क्या एक और छक्का होगा? यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा छक्का नहीं था कि नेवर्थलेस ये छक्का हुआ, 4 लगा पास के वो बैट्समैन को डिजी करें। कमेंट्री बॉक्स का मंजर आपने देखा है कि जहाँ पे फर्रुख रियाज मुझे और आपने हमारे स्कोरर मिनहाज को आपने देखा, तो एक और बाउंड्री से दौरान हासिल की 4 रन हासिल। रेशन रखते हैं, एक खास कोई जाती इशूज हैं इनको मारखोर से। फुल टॉस और अंपायर का इशारा भी देखना होगा, कितना अच्छा कनेक्शन है, आउट हो गए हैं, कैच लेने में कामयाब हुए लेकिन शायद नो बॉल होगी, ये काफी ऊंची थी बॉल। 3 छक्के गिफ्ट हैं बैट्समैन के लिए अपनी शर्ट से मैसेज देते हुए। अच्छा शॉर्ट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन हासिल किया पे कामी ने, कोई फील्डर इतना स्ट्रेट नहीं था और अपने हरीफ देते थे। इस मैच में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि लोगों ने अपने टीवी सेटअप भी खोले होंगे और कोटली यहाँ पे जीतने में भी कामयाब हो जाएगी, और इस छक्के के साथ ही कोटली ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। What a finish, what a perfect finish, छक्के के साथ आगाज हुआ था, छक्के के साथ फिनिश किया है, सिर्फ 21 लीगल बॉल्स में ये टारगेट चेस किया 75 रन का।